है गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा आज पहला दिन है नेपाल में और ये शाम के वक्त हम जा रहे हैं राइड में। और बस नाटक है ये, बस मैं एप्पल काट रही हूँ और इनका तो काम ही है कुछ ना कुछ बोलने का। वाओ, व्हाट अ डेकोरेशन, वाओ वाइसाक्स। हेलो हेलो माइजू और मंजू माइस, लुक एट दिस। आज का ब्लॉग तो यही समाप्त होने वाला छो, यही खत्म होने वाला आज का ब्लॉग और कल का नया दिन कल देखेंगे। यही है टुमोली नेपाल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे अपने फेस को क्यों ढक रही हूँ, तो बहुत ही बुरा हाल है मेरे चेहरे का। तो मौसम चेंज होने के कारण, इस वक्त तो मैं नेपाल में हूँ, तो मौसम चेंज होने के कारण मेरा खोपड़ा जो है एकदम बंदर की तरह दिख रहा है, मतलब घमौरी के कारण पूरे जो फेस में था, आप लोगों ने शायद प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो कुछ कुछ आ रहा था, वो अभी पूरा रैशेस हो चुका है मेरे चेहरे में, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। और कल मेरी शादी है, धूमधाम से नहीं बल्कि बहुत सिंपल तरीके से। तो ब्लॉग को मैं आज इसलिए शूट कर रही हूँ कल, क्योंकि हम कल ही पहुँचे थे और मैं चाहती थी कि आपको हर एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ के बारे में। तो अभी इस वक्त मैं ऐसे अकेली हूँ, सभी लोग अपने अपने कामों में हैं और मैं अकेली हूँ यहाँ पर। जो हमारा सर है वो मेरी साड़ी, जो मेरी साड़ी का ब्लाउज का फिटिंग वगैरह कुछ कुछ करने गया है, तो मेरा कुछ काम नहीं बाहर। और मैं अपने फेस को आराम से पंखे में छुपाई आराम से लेती हूँ। मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ, कुछ इस तरह से बहुत गंदा, बहुत ही गंदा है, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो वीडियो पर बने रहिए, देखते हैं कि आज क्या क्या होता है धुमोली में। और काफ़ी बड़ा शहर है, मैं आपको छत पे जाके इसका पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगी। सो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माई वीडियोज। तो वीडियो को शूट करते हैं, आइए चलते हैं। तो गाइस, मैं आपको इस वक्त दिखाने वाली हूँ धुमोली, जो कि नेपाल का एक बड़ा ही शहर है। वैसे तो मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको चाहती हूँ कि दिखाऊँ। मैंने ऐसे नज़र अभी तक नहीं दिखाया। इंडिया में भी हर एक सिटीज़ में ज़्यादातर ये सब होता है, तो ये एक छोटा सा शहर है, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर हर एक घर जो क्या है, छोटा घर मुझे दिख ही नहीं रहा है, सभी घर क्या है बिल्डिंग और काफ़ी छोटे, मतलब जगह जो क्या है काफ़ी छोटा छोटा जगह है, लेकिन घर जो क्या है वो हमें अटैच करके इतना लंबा से बनाया है, आप खुद ही देख लीजिए। इस जगह अभी मैं जहाँ हूँ, ये पांचवी मंजिल में है, हमारा मामा का घर है ये, तो यहीं पर हम रुके हैं। और भी आगे में है मम्मी का शॉप है। तो जो एरिया है वो पूरा मार्केट एरिया है, मतलब टाउन है पूरा एक। और सभी के घर जब लंबे लंबे हैं तो उसके नीचे एक दुकान होना कंपलसरी जैसा लगा मुझे, तो यही है। और मैं यहाँ आना तो नहीं चाहती थी धूप में, लेकिन आपको दिखाना चाहती थी कि कौन सी जगह पे हूँ मैं। तो फेस में क्रीम लगाया हुआ है, तो मुझे जाना पड़ेगा नीचे, देखते हैं कि आज और क्या होगा। साथ साथ नीचे चलते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे कपड़े देखने आई थी, तो कपड़े भी सुखाए हुए थे। ये हमारा एरिया है और ये किसी और का, तो ऐसे ही छोटी छोटी ये सब अलग अलग घर है, ये अलग ये अलग है। थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे भी यहाँ से भी हम नज़ारा देख सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी नीचे शाम होने पर, क्योंकि इनका कहना है कि नई बहू को लोग नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए मैं इस कमरे में हूँ इस वक्त। तो बहुत ही एक्साइटिंग वाला दिन होगा कल। सो इस थोपड़े का क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही गंदा शक्ल हुआ है। तो देखती हूँ कि कल मेरा शक्ल और मेरा ड्रेसअप क्या होगा। लेकिन जा रहे हैं रूम और कल
सुबह है हमारी कल सुबह मिलते हैं गाइस। मैं तो बंदर की तरह हो गया मेरा। हाय ब्रश ब्रश कौन से भी सारा ब्रश हां ये ब्रश है या माय ब्रश ब्रश है माय ब्रश ब्रश टाटा माय ब्रश तू कौन से भाई को मेहंदी की रस्म चल रही है इधर पे सो गाइस सबको काम में इतना बिजी होते हुए मैंने कभी नहीं देखा कि ब्राइड का अभी तक हाथ में मेहंदी नहीं लगा है। तो कल है शादी और इतने अर्जेंटली हमें शादी का मुहूर्त बताया गया कि सुबह के 8-10 बजे। तो मैंने अपने हस्बैंड को ही कहा कि आप ही लगा दो, अदरवाइज मैं ही लगाती थी हमें से दूसरों के हाथ में, लेकिन इस वक्त क्या कर सकते, नो ऑप्शन। यहाँ पे हमारा पति लेप के मेरे हाथों पे, ये मम्मी का हाथ बना रहा है मम्मी इसका हाथ की तरह, फिर भी अच्छा है। मेरा भाई है हंसम भाई और मेरा बिनी, जाके दे दिया जाओ। तो वैसे तो मुझे मेकअप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे ठोपड़े का हालत कुछ ऐसा है कि क्या करे, कुछ हो ना हो लेकिन मेरा ये जो रैशेस है उसको ढकना चाहिए, इसलिए हमने ब्राइडल मेकअप को हायर किया। तो यहाँ मेरा कुछ लिपा पोती करके जैसे तैसे इसको छिपा दिया गया है, और ये हमारा पतिदेव और हमारी जो आर्टिस्ट है वो मुझे तैयार करने में लगी हुई है, और बहुत ही अर्जेंटली हमें रेडी फट रेडी करते करते इतना अर्जेंट हमें करना पड़ा कि मैं भी, तो चलो जैसे तैसे करके मैं रेडी हो गई हूँ, अब थोड़ा अच्छी दिखने लगी हूँ। तो चलो दुल्हन की ड्रेस में अब देख भी अच्छी रही हूँ, तो अब हम जाने के लिए तैयार। यहाँ पे इनको कुछ ज़्यादा जल्दी है मुहूर्त, त्यसो भने त 12-1 बजे गरे गए नि हुन्थ्यो नि हामी त लगाइदिएको मेहन्दी पनि त्यसरी बहिनीले के भन्थ्यो, ऊ त्यो गाडीमा जान्छ अरे, बाबा जान्छ अरे, कसरी जाने अब